पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। कल 8 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से दिल्ली से शुरू होगी। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी। यहां बदरपुर बॉर्डर से लेकर के लाल किले तक ये भारत जोड़ो यात्रा चली थी और वहां पर ये ब्रेक ले लिया गया था 3 तारीख तक। यानी अब कल 3 तारीख है और 3 तारीख से फिर दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और घुसेगी उत्तर प्रदेश में लोनी बॉर्डर से। लेकिन जब दिल्ली में कल भारत जोड़ो यात्रा चलेगी तो उसको लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी होंगे और दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर के एक अपना ट्रैफिक रोड मैप या ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। कल सुबह 10 बजे से राहुल गांधी चलना शुरू करेंगे। जो पुरानी दिल्ली है, लाल किले के पास मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पहले वो हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो चलेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली की तरफ। जो लोहा ब्रिज है उससे होते हुए ये जाएंगे सीलमपुर की तरफ से होते हुए गोकुलपुरी, और गोकुलपुरी से ये चलेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली से होते हुए ये पहुँचेंगे लोनी रोड। तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिन रास्तों पर बहुत हैवी ट्रैफिक रहने वाला है उसके मुताबिक जब राहुल गांधी यहाँ से शुरू करेंगे तो वो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ जाएंगे, तो जो लोग वहाँ पर जाने वाले हैं वो उस रास्ते को अवॉइड करें। उसके बाद जो फर्नीचर मार्केट है धर्मपुरा का, वहाँ से होते हुए अंसारी रोड से छाछठपुटा रोड, मौजपुर, फिर वो बाबरपुर और फिर गोकुलपुरी वो पहुंचेंगे और फिर गोकुलपुरी से वो लोनी में, जो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वहां पर एंटर होंगे। यानी कल उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी। सीलमपुर, गोकुलपुरी, धर्मपुरा, मौजपुर, इन इलाकों में ट्रैफिक बहुत हैवी रहेगा क्योंकि वो रूट है रास्ते का और जिन रास्तों पर और ट्रैफिक ज़्यादा रहने की संभावना है दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग है, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड है, रिंग रोड है, इसके अलावा जो हनुमान मंदिर से पीछे जो लोहे का पुल है पुरानी दिल्ली के, वहाँ पर भी ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा। गीता कॉलोनी और पुष्कर रोड में ट्रैफिक बहुत हैवी रहने वाला है, जैसा कि हमने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में बहुत ट्रैफिक हैवी रहने वाला है। अंसारी रोड और जाफराबाद मेन रोड में काफ़ी ट्रैफिक रहेगा, सौफिटा रोड, वज़ीराबाद रोड और फिर लोनी रोड में ये ट्रैफिक रहने वाला है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो 12 बजे पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश लोनी। तो अगर आप इन इलाकों में जाना चाह रहे हैं तो अपने घर से 12 बजे के बाद निकलें, उसके बाद आपको ट्रैफिक हल्का मिल सकता है। लेकिन सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक जिन रास्तों का हमने जिक्र किया वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाला है। दिल्ली में सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।